अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, हुकूमत के तब्दीली सरकार के 100 रोज मुकम्मल हो गए। आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी लाहौर शहर से आप देखेंगे। इन्हीं 100 दिनों के नाम अवाम क्या सोचती है, इंडस्ट्री क्या सोचती है, ताजिर क्या सोचते हैं, सहाफी क्या सोचते हैं, आम अवाम क्या सोचते हैं, आइए चलिए प्रोग्राम में बिला किसी ताखिर के हम अवाम से बात करना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर के लोगों तक जाएंगे और रिमार्क्स देंगे इन 100 दिनों में क्या खोया क्या पाया। 100 दिन मुकम्मल हो गए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा कर रहे हैं इमरान खान, बहुत अच्छा हो। बिजली का बिल कितना आ रहा है आपका? नॉर्मल है, ठीक है। सही है, गैस भी आ रही है? हाँ, गैस भी। कीमत स्कूल के बच्चों की फीस? बच्चों की फीस भी ठीक है। और महंगी कीमतें दालें चावल? नहीं, सब कुछ वही जो पहले था वो सही था। सही है, मुतमईन है। चलें, तब्दीली सरकार के 100 रोज पूरे हो गए जी। महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? वैसे ही है जैसे पहले थी, कभी बढ़ जाती है कभी कम। मुझे लगता है आप दोनों इमरान खान की फैन है। हाँ जी, यस यस। 30 सालों में कुछ नहीं हुआ था, अब 1 महीने में वो क्या कर लेगा? अलादीन का चिराग तो है नहीं उसके पास, मैजिक नहीं हो सकता ना, अब हम इंतजार करना पड़ेगा। ये आईके की फैंस लग रही हैं, आप भी आप बताइए। बहुत अच्छा आराम से काम कर रहा है, सारी आवाम भूखी पड़ रही है, हर एक पे टैक्स लगा दिया, गरीब आदमी कमा नहीं सकता, रोटी पूरी नहीं होती, टैक्स कहाँ से देगा कोई? अच्छा। है इमरान खान हो रहा है। अच्छा। कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ अपने नोट कट्ठे कर रहा, लेके निकलना है उसने। ये जो रिमार्क्स आ रहे हैं, आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। तब्दीली के 100 दिन पूरे हो गए? हाँ सही है, 100 दिन तो पूरे हो गए हैं। वैसे क्या तब्दीली आई? पता तो नहीं, इतना खास तो कुछ नहीं आया, वैसे पहले का पहले की तरह ही है। महंगी बड़ी है पहले से। अच्छा, पहले से बड़ी है। अच्छा, तब्दीली सरकार के 100 रोज पूरे हो गए, सर कितनी तब्दीली आ गई? तब्दीली तो कोई नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो तब्दीली ऐसी होती है, कोई ऐसे नहीं होती तब्दीली। कैसी होती है तब्दीली? तब्दीली होती है जो आवाम को सहूलत हो। कोई सहूलत नहीं मिली? कोई सहूलत नहीं, किस चीज की सहूलत? ना खुश मायूस क्यों है? आपके सामने ही है। अब हम अकेले नहीं है, सब आवाम ही ऐसी है जी। और भी लोगों से बात करते हैं, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली सरकार के 100 रोज पूरे हो गए, खुश हैं आप? नहीं खुश। क्यों खुश नहीं? महंगाई बहुत ज्यादा है। कितनी महंगाई हो गई? बहुत ज्यादा महंगाई हो गई। क्या महंगा हुआ? बिजली का बिल महंगा? बिजली का बिल महंगा, बाजार सब हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी हो गई। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बात करें, बहुत रश है यहाँ पे, आवाम हमसे बात करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिल्ली सरकार के 100 रोज मुकम्मल, क्या रिमार्क्स है, खुश हैं ना खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, क्या क्यों खुश हैं? खुश इसलिए जो इमरान साहब ने अपने वादे किए, इंशाल्लाह हमें उनपे उम्मीद है कि वो पूरा उतरेंगे। 100 रोज में, 100 रोज का वादा था जी जी, जो उनके इकदाम है वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम कहेंगे हम खुश नहीं है। घर की ग्रोसरी लाती है, महंगी हुई है सस्ती? वो तो महंगी हुई है। फिर खुश क्यों हैं आप? पढ़ने फिर भी ऐसे देखा जाए तो बेहतरी है, हम अगर अपनी क्रॉकरी इन चीजों की तरफ लगे रहेंगे। काम तो करने शुरू कर दिए हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल भी करेंगे। ये प्रो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कुछ लोग थे, आगे भी चलते हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। 100 रोज मुकम्मल हो गए तब्दीली सरकार के, खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या क्यों, क्या हुआ ऐसा? सारा कुछ चेंज हो गया, जो 100 रोज के लिए वादे किए गए थे वो पूरे हो गए? कर रहा ऐसा ऐसा पूरे करेगा वो, उम्मीद है अभी इंशाल्लाह। 100 रोज पूरे हो गए इमरान खान साहब के, हाँ तब्दीली आई? हाँ आई, कोई भी नहीं आई, महंगाई हुई, तब्दीली मारे हैं, भूखे मारे हैं लोग। अच्छा। कोई नहीं, तब्दीली आई, इमरान तब्दीली आ गई, 100 रोज मुकम्मल हो गए, तब्दीली देखी कोई? जी हाँ, काफी तब्दीली है। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये हेलमेट आपको जो नजर आ रहा है, ऐसा ऐसा आ जाएगी इंशाल्लाह, ऐसा ऐसा आ जाएगी। तब्दीली आई है, 100 रोज मुकम्मल हो गए? 100 रोज मुकम्मल हो गया, अच्छा हो गया ना, तो अभी और तब्दीली आ जाएगा। कितनी तब्दीली आई है, क्या तब्दीली आई है? बड़ा तब्दीली आ गई। क्या बड़ा, कौन सा तब्दीली आ गई? तब्दीली ये आ गया ना, तो इमरान खान आ गया, और क्या चाहिए? बस ये तब्दीली काफी है। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे रिमार्क्स मिल रहे हैं, मिला जुला रोजाना। अस्सलाम वालेकुम। 100 रोज पूरे हो गए हुकूमत के, तब्दीली आई है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लग रही। नहीं लग रही? नहीं। आप पढ़ के आ रहे हैं? अभी जा रही हूँ। स्टूडेंट हैं आप जी, क्या चाहते हैं, किस तरह की तब्दीली होनी चाहिए थी? तब्दीली होनी चाहिए, एक तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो उसका ठीक होना चाहिए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा रश होता है। स्टूडेंट की लाइफ कुछ चेंज हुई, कुछ तब्दीली स्टूडेंट की लाइफ में आई?
नहीं तकरीबन तो ऑलमोस्ट अभी तक तो कुछ भी नहीं लग रही। चले बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, बहुत शुक्रिया। माजी तब्दीली सरकार के 100 रोज मुकम्मल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तब्दीली कुछ आई है गैस की कीमतों में इजाफा या कमी या क्या, आपके बिल कैसे आ रहे हैं? बिल बहुत आ रहे हैं। खुश नहीं है आप? नहीं, बड़े बिल आ रहे हैं। महंगाई कितनी हुई? महंगाई भी बड़ी हुई। अच्छा, बड़ी महंगाई हो रही है, गरीब बंदा इतनी ले नहीं सकता। चाचा जी तब्दीली आई है? नहीं बेटा, तब्दीली के तो आगे बैठा जी। महंगाई आई है, तब्दीली नहीं आई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, तब्दीली आ गई है 100 रोज मुकम्मल? कोई तब्दीली नहीं है, मुल्क बर्बाद हो गया। नाज़रीन चूंकि इस वक्त हम दिल्ली गेट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं जो कि गैर मुल्की भी होते हैं और मुल्की सयाह भी हैं, इस वक्त एक ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मंशूर थे, जितनी भी तकारीर थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, उनमें ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बहुत ज्यादा बातें की गई थी। इंग्लैंड से गालिबन आपका ताल्लुक है? जी हाँ बिल्कुल। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। कितने अरसे बाद पाकिस्तान आना हुआ? कोई 3 साल बाद। तो 3 साल से अब तक का सफर आपने कैसा देखा? 100 दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत पूरी कर चुकी है, इमरान खान साहब ओवरसीज के बारे में बहुत बात करते थे, कैसे रिमार्क्स हैं इन 100 दिन गुजरने के बाद? मेरे ख्याल में तो ये 100 दिन बहुत कम हैं इसको सब कुछ को बदलने को, जो इतनी देर से इतना ख़राब था तो। लेकिन अभी तक जो काम हो रहे हैं काफ़ी तसल्ली बख्श हैं और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं वो उन लोगों को है जो कि अपनी ब्लैक मनी जो थी उसको वाइट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। और अब उनके लिए ज़रा मुश्किल हो गया ये करना। मतलब जो मेजर काम था वो अचीव करने में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हुई? अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी कामयाबी तो इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। अच्छा। उनको ज़ाहिर है 100 दिन में तो कोई चेंज नहीं करती। अच्छा, बाहर इंग्लैंड से चूंकि आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान का इमेज अब नई हुकूमत आने के बाद क्या है? इंटरनेशनली अगर आप देखें तो बहुत अच्छा इमेज है, लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं कि अब जो चीज़ें हैं वो बहुत तब्दील हो जाएंगी। और लेकिन ऑब्वियसली टाइम लगेगा उसको, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक ये अंदरून शहर का है, मैंने अभी सारा विज़िट किया, मैं जब भी आता हूँ यहाँ ज़रूर आता हूँ, तो बहुत सफाई दिखी है मुझे बहुत ज़्यादा, और बड़ी स्ट्रीट्स भी बन गई हैं अंदर, और खुली गलियाँ भी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। हाँ, बिल्डिंग्स भी रेनोवेट हुई हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की लाहौर शहर की सकाफत, मसाला जात, ये ज़रा हम यहाँ पे पूछते हैं दुकानदारों से कि किस तरह के तब्दीली सरकार के नारे थे और ये क्या देख रहे हैं इन 100 दिनों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, काफ़ी आपने जो पाकिस्तान की लाहौर की सकाफत है वो आपने उसको जिंदा रखा हुआ है, ये मुझे बताइए 100 दिन हुकूमत के पूरे हो गए, जानते हैं 100 दिन क्या थे? 100 दिन बस महंगाई ज्यादा हो गई है। क्या करना था इस सरकार ने, जो नई हुकूमत आई है, 100 दिन के लिए क्या उन्होंने मंशूर रखा था? उनका मंशूर तो ये था कि महंगाई कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं है महंगाई? महंगाई ज्यादा हो गई बहुत। हाँ जी। और इसके अलावा क्या देखा आपने, क्या महसूस किया? और इसके अलावा बस गरीबों को उठा रहे हैं नजायज तजादाद में। हाँ जी, आप बताइएगा 100 दिन क्या थे, 100 दिन में क्या होना था, 100 दिन का कुछ मालूम है आपको? नहीं, हमें मालूम नहीं है। नहीं, कुछ नहीं मालूम है, कुछ फर्क पड़ा हो, कमी आई है कीमतें? महंगाई बढ़ी है बहुत ज्यादा, परेशान हो गए गरीब अवाम। हाँ, ताजर खास तौर परेशान है, ज़राअत भी बहुत टेंशन में है, इसमें खादों के रेट बढ़े हैं, चीनी के रेट बढ़े हैं, गन्नों के रेट, इस तरह की बहुत परेशानी है। आप भी कुछ कह रहे हैं, आप भी कुछ कह, क्या हुआ? गरीबों ने की तरह भी सस्तियाँ होनी चीज़ें सारी महंगी हुई है। हमारे वजीर आजम कौन है? वजीर आला इमरान खान ही है इस वे। वजीर आजम है, वजीर आला नहीं है। इमरान खान साहब ने क्या वादे किए थे? वादे ये किए थे भी महंगाई कम होगी। नहीं हुई? कोई नहीं हुई। क्या हुआ? बढ़ गया, दालें बढ़ गई, सारी चीजें बढ़ गई। बिजली का बिल कैसा आ रहा है आपका? डबल आ रहा है। पानी का बिल बढ़ गया, बत्ती का बढ़ गया, सुई गैस का बढ़ गया। चले आगे भी बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। 100 दिन क्या होना था? 100 दिन में, 100 दिन में बहुत ज्यादा महंगाई हुई है। कैमरे में देखिएगा। हाँ जी, 100 दिन में बहुत ज्यादा महंगाई हुई है। अच्छा। कोई चीज सस्ती। वज़ीर आज़म कौन है? इमरान खान। इमरान खान साहब ने कुछ किया नहीं आपके लिए? जड़ा वादा किया है उसके मुताबिक कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या वादा किया था? वो सौदे सस्ते होंगे, बिल घटेंगे, बिल भी अगे ना ज्यादा आ रहे ना, बिजली दे, गैस दे। हाँ, कोई काम नहीं आया। कहाँ से आए, कहाँ से आए? बहुत बढ़िया में आए। अच्छा, आप लोग ये जो अभी जो सिख यात्री आ रहे हैं उनके डेलीगेशन में शामिल है आप? बहुत अच्छी मानते हैं, जो हमारे लोग हैं ना पाकिस्तानी, बहुत मेरे प्यार करते हैं, हम बहुत चाहते हैं कि जो धन्यवाद करने नहीं।
पाकिस्तानी भी जाएंगे। सरदार जी अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं, महफूज हैं यहाँ? हम बहुत अच्छे से अच्छा मानते हैं। मेहमान नवाजी कैसी रही? हम बहुत अच्छी मानते हैं। इंडिया के कौन से शहर से आए? इंडिया से, पंजाब से, हमारा शहर है फरीदकोट। शॉपिंग की मैंने देखा आपने बहुत ज्यादा, क्या क्या लिया? ये बड़ा कुछ है, मैं इतने हमारे इंडिया बढ़िया बढ़िया चीज मिल रही है। सब जूते बच्चों को, खिलौने बच्चों के, खुद से आपके कपड़े बहुत अच्छे अच्छे। यानी नई जो हुकूमत पाकिस्तान में आई है इमरान खान साहब की, उसको कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छे देखते हैं, हमसे भी बहुत अच्छे देखते, बड़ी मेहरबान थी। कुछ यहाँ पर क्योंकि सिख यात्री हैं इंडिया से तशरीफ लाए, इनसे भी पूछ लेते हैं। पाकिस्तान में आप आए हैं और इस दफा जब आप आए हैं तो पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई है इमरान खान साहब की, इस हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? हम इसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा। हमारी सिक्योरिटी सबसे बड़ी है, सिक्योरिटी का इंतजाम है बहुत अच्छा है। और कोई तब्दीली यहाँ पे देख रहे हैं आप? पाकिस्तान सारी देख रहे हैं, बहुत चेंज हो गए। हम पहले 14 में आए, फिर 16 में, फिर 13 में भी आए थे, उससे बहुत ज्यादा तब्दीली आ रही है। नाज़रीन, जिस इलाके में अभी हम मौजूद हैं ये NA 124 है, यहाँ से हमजा शहबाज शरीफ साहब जीते थे और हमजा शहबाज के सीट खाली करने के बाद यहाँ से जो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो जीते। इस वक्त मलिक जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि PP के कैंडिडेट थे और इन्हें शिकस्त हुई जो नून लीग का ग्रुप है उसके हाथों, क्योंकि ये नून लीग का गढ़ है। और यहाँ पर आपको अगर जिससे भी बात करेंगे तो यहाँ पर अभी भी वोट देने के लिए अगर लोग तैयार हैं तो वो नून लीग को है। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे सिबुदुल्ला चौधरी साहब ने, अब भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। लोगों से बात करने का सिलसिला हम शुरू कर चुके हैं, बहुत एनर्जी से लोग जो है वो फीडबैक भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 100 दिन में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। आपकी इजाजत से जमान साहब से हम गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं, महंगाई क्यों बढ़ गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सामने ये है कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने कौन सी अपनी पॉलिसी इख्तियार की हुई थी, उन पॉलिसी के बंदे मुनाफिक आप देख लें कि उन्होंने क्या क्या लाया अमल, किस किस तरीके से IMF से उन्होंने भीख मांग के कर्जे लिए और जो जो उन्होंने आवाम के ऊपर जो जो इनका नसूद डाला हुआ था, ये आप सबके सामने है। लेकिन अब हमारे दौरे हुकूमत में अब जैसे हमारी गवर्नमेंट आई है, मैं आप दूर कोई इतनी लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आपको ये बात बताऊंगा, जिस जगह आप खड़ी हैं इस जगह, इसको कहा जाता है वॉल सिटी, दिल्ली गेट। दिल्ली गेट के ऊपर सबसे पहले हमने एक प्रपोजल तैयार किया है जिसके तहत यहाँ पे आप इर्द गिर्द की इमारतें देख लें, यहाँ पे पार्किंग प्लाजा अप्रूव करवा लिया हमने, आपको इंशाल्लाह विद इन 10 से 15 दिन के अंदर ये एक जमान साहब सब चीजें छोड़िए, जो 100 दिन के वादे थे वो क्यों नहीं पूरे किए? मैं उसी हवाले के, ये 100 दिन के वादे के खिलाफ ये उसी का प्लान। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपने 100 दिन में प्लान देना था या 100 दिन में इम्प्लीमेंटेशन करना था? देखिए जी, मेरे मुताबिक ये देखिए, एकदम रातों रात हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि हम 100 दिन का प्लान देना था या आपने एग्जीक्यूट करना था? इसमें हमने काफी एग्जीक्यूट भी किया है, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वॉल सिटी के अंदर 5% अगर 100 में से आप एग्जीक्यूशन पे आए तो कितने परसेंट एग्जीक्यूशन हुई? मदीहा, आप मुझे 2 मिनट का बोलने का मौका देंगी, मैं आपको काफी इसमें एक्सप्लेन भी मुझे जरा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम ऑब्जेक्टिव जो है ना सवाल करें, हम सब्जेक्टिव पे ना जाएं, ये मुझे बता दें 100 पे से आपने कितने परसेंट अचीव किया? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है वॉल सिटी के हवाले से, यहाँ पे तो हमने 80% काफी अचीवमेंट की है। 80% मैं आपको बड़ा यहाँ पे ऑनर कह रहा हूँ कि हमने 80% काफी अचीवमेंट की है, जिस सिलसिले में यहाँ पे हमने फ्रांस के एक महकमे के साथ यहाँ पे मुआहदा किया जिसमें हमने 5 अरब रुपए की ग्रांट यहाँ पे वॉल सिटी में लगाने लगे हैं, 5 अरब रुपए की, ये कोई छोटी रकम नहीं है। इसमें आप बड़ी डिटेल में जाएंगे क्या होगा उसमें, उसमें आप देखेंगे यहाँ पे अंदरूनी शहर में इस सकाफत का बेतहाशा मौका मिलेगा, हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए लोग बड़े जोकदार जोक आएंगे। हमने ऐसा एक प्लान तैयार कर लिया जिसमें वॉल सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर गवर्नमेंट का एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जिसमें यहाँ पे आप हिस्ट्री चेंज देखेंगे, यहाँ पे लोगों की तादाद जो बैठ से देखने आएंगी लाहौर शहर को, अंदरूनी लाहौर को देखने आएंगी, वो आपके सामने बड़ा बेमिसाल होगी। इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पे एक तजारती मरकज है, यहाँ पे आप देखा जाए कि लाहौर की तकरीबन 60% मार्केट यहाँ पे अंदरून शहर में व्यवस्था है, यहाँ पे अभी तक तो एक भी किसी जगह भी पार्किंग प्लाजा आपको नजर नहीं आएगा, हमने एक अप्रूवल यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ अंदरून शहर की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल लाहौर की बात कर रहे हैं और ओवरऑल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 100 दिन की कारकर्दगी भी बात कर रहे हैं। अच्छा, एग्जीक्यूशन की जब मैंने इनसे बात की है तो मुझे वो प्रॉपर फिगर नहीं मिला, एग्जीक्यूशन 100 आउट ऑफ आप कितना रेट करेंगे, 100 में से कितने परसेंट काम हुआ? देखिए मुझे PTI का मसला ये है, जिस तरह मलिक साहब बता रहे हैं, PTI का मसला ये है, जिस दिन स्टॉक मार्केट में 150 अरब डूब गए थे ना सरमायाकारों के, उस दिन उन्होंने कहा जी इतवार को गवर्नर हाउस खोल दिया जाएगा लोगों की सैर तफरी के लिए। मलिक साहब भी तकरीबन वैसी बात कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे महंगाई का रोना रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम आर्ट और कल्चर का एक प्लाजा बनाएंगे,
और यहाँ पे हम ये सरगर्मियाँ करेंगे। लोगों को यहाँ पे जो 60% ये मलिक साहब बता रहे हैं कि जी 60% यहाँ पे अंदरून की मार्केट में, और आपको 100% यहाँ पे एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग नजर आ रहे हैं, उनको तो लोगों से इजाजत दीजिए मैं बात कर लूं। आप मुझे जरा कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको तो सस्ती चीजें चाहिए रोजमर्रा अशिया की। खवातीन से इजाजत दीजिए मुझे जरा बात करने की। 100 दिन पूरे हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कितनी तब्दीली आई है? तब्दीली तो जाहिर है कि एक टाइम से आएगी, 100 दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने दावा किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि 100 दिन में आएगी तब्दीली। देखें, दावे तो बहुत सारी हुकूमतें करती आई हैं और बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरे ख्याल में किसी ने भी वो सब कुछ नहीं हमें दिया जो उन्होंने दावे किए, ठीक है ना। तो इमरान खान को तो अभी 100 दिन हुए हैं, लोगों ने तो 10-10 साल हुकूमतें की हैं, तो क्या किया? पाकिस्तान को कर्जों में डुबो दिया, हम गरीबों को मार दिया, खाना खराब कर दिया हमारा। उन्हीं की वजह से ये सारी महंगाई हो रही है, आज बिजली भी महंगी हो रही है, सुई गैस भी महंगी हो रही है, उन्हीं की वजह से हो रही है। आप क्या कहेंगी तब्दीली, जरा आप बता दें कि आई है या नहीं आई, हाँ या ना कह दी? तब्दीली देखिए, हमारे माशरे में बात वही है कि अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इमरान खान को। तो इमरान खान को जो पाकिस्तान मिला है वो इस वक्त एक बिखरा हुआ मिला है, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि वो एक जल्दी से जो है ना उसको कवर अप कर देगा, थोड़ा टाइम लगेगा और उसको टाइम देना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए और जरूर आना चाहिए आगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने अच्छी बात की है और आप शायद ही पहले, लेकिन जब आपने बात की है बहुत अच्छी बात की है। अब कुछ खवातीन है, इनसे पूछते हैं, 100 रोज मुकम्मल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, मैं ये जानना ये चाहती हूँ कि आप जब सौदा लेती हैं, ग्रोसरी लेती हैं, तो उसमें क्या तब्दीली आई है, महंगा हुआ या सस्ता? हमें तो वैसा ही लगता है जैसा था पहले से, हम सेटिस्फाइड हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। अब तब्दीली के लिए टाइम तो दो, एकदम तो नहीं सोचो ना कि सब कुछ फौरन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। उम्मीदें वाबस्ता रखें आप, दिल छोटा नहीं करना चाहिए, दिल छोटा नहीं करें, बिल्कुल ऐसा ही है। आ जाएगी तब्दीली? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। कुछ चीजों में कमी हुई या इजाफा हुआ, बिजली के बिल कुछ कहना चाहेंगी आप? है, हुआ तो है, लेकिन ये कि जाहिर बात है कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। नाज़रीन, हम यहाँ पे स्पाइस बाजार है, दिल्ली गेट है, बहुत कल्चरल यहाँ पर लुक है, सिख यात्री भी बड़ी तादाद में यहाँ पर, मेरे कैमरा मैन दिखाएं, और अभी जो सिख कम्युनिटी भी यहाँ पर है और करतार सिंह जो बॉर्डर है उसका संगे बुनियाद भी रखा है, तो काफी 100 दिन में काफी पॉजिटिव वाइब्स देने में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। लेकिन अभी हम आम आवाम से बात कर रहे हैं, हमने बहुत सारे दीगर लोगों से भी बात करनी है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज या ताजिर ब्रादर जो ब्रादरान है वो भी होंगे। जो ये गुफ्तगु का सिलसिला है अभी हम जारी रखना है, लेकिन छोटी सी ब्रेक आउट चूंकि वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा से आपसे मुलाकात करेंगे। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।